सब में पर आत्मा ही आत्मा है, आत्मा की तो कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ये ज्ञान मार्ग है, लेकिन ज्ञान मार्ग में असंगता देखो आज शरणागति के विषय में है भाई, क्योंकि गीता की परिसमाप्ति शरणागति में हुई है। भगवान ने ज्ञान से भी प्रेम को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान कैसे होता है तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, चार तरह की साधना करो तो शरणागति हो जाएगी। मनमना भव, ये गीता में दो बार श्लोक आया है, जैसे गायत्री वेदों में तीन बार है, उसी भाग के गीता में जो गीता पाठी हैं दो बार है। इसका सबसे बढ़िया इम्पॉर्टेंट यही शरणागति है, क्यों बार बार बोले भगवान 9वें अध्याय में और यहाँ 18वें में भी कहा मनमना भव। मनमना भव माने ये वेदांतियों का अर्थ करते हैं, भक्तों का बाद में करेंगे। मनमना माने विचार शक्ति, यानी ज्ञान से जान लो मैं ब्रह्म हूँ। भगवान कृष्ण बोले बोलो सच, ब्रह्म को मेरे से बाहर नहीं है, बोलो सच्चिदानंद भगवान मैं ब्रह्म हूँ। मनमना भव माने मैं ब्रह्म हूँ, और मद्भक्ता माने भजनीय मैं ही हूँ, ये भक्ति योग हो गया। मद्भक्ता माने भक्ति योग है, और मनमना माने ज्ञान योग। ज्ञान योग में ब्रह्म मैं ही हूँ कृष्ण भगवान बोले, और भजनीय भक्त, भक्तों के लिए भजनीय भगवान भी मैं ही हूँ। यानी ब्रह्म भगवान दो नहीं होते, दोनों एक ही हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर मद्यादि जितने देवी देवता हैं वो भी मैं ही हूँ। यानी यज्ञ यजन जो भी करते हो ये शरणागति का तीसरा लक्षण है। और भगवान बोले माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। हाँ अच्छा भाई, मनमना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु माने माता पिता गुरु मही। शरणागति के व्याप्त वेदांतियों का अर्थ है, यानी ब्रह्म भी मैं हूँ, ईश्वर भी मैं हूँ, और यज्ञ यज्ञादि देवी देवता भी मैं हूँ, और माता पिता बड़े को जो प्रणाम करते वो भी मैं ही हूँ। कितनी बढ़िया बात, मनमना भव भग भक्ता, कितना ज्ञान भगवान ने भर दिया इस श्लोक में। मद्यादि माम नमस्कुरु, माम इसमें माँ मेरे को इस प्रकार से माम ए वैश्यसी, मेरे को ही प्राप्त ये। जब तुम भगवान ब्रह्म हैं, भगवान ईश्वर भी हैं, भगवान देवी देवता भी हैं, और भगवान माता पिता सब में बैठे हैं वो भी हैं, इसका भाई बहनों माता पिता की जो सेवा करते हो वो भी शरणागति है। ब्रह्म मानते हो भगवान को वो भी शरणागति है। भजनीय मानते भगवान को भक्ति योग भी शरणागति है, और देवी देवताओं की पूजा करते निष्काम भाव से वो भी शरणागति है। जिसमें ईश्वर सामने आ गया इसका भगवान ही भगवान है, भगवान करते कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। तो भगवान बोले सर्व धर्मान परित्यज्य। अब एक बात, धर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या हुआ? क्या गीता कहती धर्म ना करो? गीता को निकम्मा मत तो पसंद ही नहीं है। गीता पुरुषार्थ प्रधान ग्रंथ है, परार्थ प्रधान ग्रंथ दो नंबर पर है, पुरुषार्थ प्रधान है। भगवान ने उठो तुम नारायण हो, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण, तुम भी नारायण हो। तो भगवान बोले माम एव एष्यसि, जब ऐसा करोगे तो मैं ही प्राप्त हो जाऊंगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्ति का अर्थ हो जाएगा, उसमें भक्ति का अर्थ है कि भगवान बोले मन भी मेरे को दे दो, हृदय का प्यार भी लगा दो, और महाराज जो भी कार्य करते हो निष्काम भाव से ठाकुर की प्रसन्नता, ये भक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठाकुर की प्रसन्नता के लिए करो, और जिसे मिलो और बड़ों को जो नमस्कार करो तो हमारे भगवान सब में बैठे हैं, हम अपने भगवान को ही प्रणाम करते हैं, ये भक्ति का अर्थ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब डिटेल व्याख्या सुनो। हाँ देखो, भगवान कहते माँ एक ऐसे मेरे को प्राप्त हो जाओ, तो आप इसमें देखिएगा कि हाँ जो महाराज कहते हैं अकिंचन, हाँ
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान योग हो गया शरणागति में। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भक्ति योग हो गया। तो भगवान बोले ज्ञानी स्वाकी शरण है, भगत मेरी शरण है, और जो अच्छे आप काम करते हो समाज सेवा वो धर्म की शरण है। शरणागति तीन हो गई, ज्ञान योग की शरणागति, भक्तियों की शरणागति और कर्मियों की शरणागति। कर्मियों की शरणागति सबकी निष्काम भाव से सेवा धर्म हो गया ये। और मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, पदार्थ क्रिया अध्यस्त अधिष्ठान ब्रह्म में ज्ञान योग हो गया। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये भक्ति योग शरणागति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। शरणागति बिना तो वेदांति का भी काम नहीं चलता, लेकिन वेदांति किसी की शरण जाता है तो वेद में आया है मुमुक्षुर्वय शरण महम प्रपद्य। वेदांति सम दम उपस्थित चार समाधान से युक्त होकर असंगता विवेक वैराग्य की फाउंडेशन भावना लेकर के विचार लेकर के किसकी शरण जाता है। कहते हैं तद विज्ञानार्थम सगुणमेवाद गच्छे समेत पाणि सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अपने गुरु की शरण जाता है। गुरु कैसा होता है, श्रोत्रिय हो इन वेद वेदांत का पारंगत विद्वान भी हो, तो विद्वान तो रावण भी है, कम विद्वान है नहीं, बसी जैसा ब्रह्मनिष्ठ भी हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान, यानी भगवान का प्रेमी भी हो। केवल विद्वत्ता के एक्सरसाइज से ही भगवान नहीं समझ में आ जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुणमेवाद गच्छे समेत पाणि। ये आपने गीता और वेद के माध्यम से श्रवण किया कि वेदांति गुरु की शरण होता है और भगत भगवान की शरण होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। शरणागति के बिना किसी का काम नहीं चलता। गीता में भगवान ने अपनी शरण बताई, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे एक ही शरण आ जाओ। और भागवत में हरि के नाम की शरण है, शरणागति भागवत समाप्त हुई। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशन, भगवान के नाम का कीर्तन करो, यानी भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है भागवत के अनुसार। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हरि हरि से बड़ा हरि का नाम, कह गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। हाँ जी, कि भगवान ने इन्हें किन्हीं लोगों को तारा, हाँ, लेकिन तेरा करके दीदार लखा पापी तर गए। हाँ, एक भाई गा रहा था कि आपने तो थोड़ों को तारा है महाराज जिन्होंने आपका, हाँ, लेकिन आपका नाम जपने से असंख्य भाव। अगर अदा मिली गदगड़ी का हरे हरि नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम। अजामिल गदगड़ का सबको आपने तारा। और सुनो सुमीर पवन सुत पावन अपने बस कर जाके श्री राम जय राम राम पर श्री राम जय राम जय जय राम राम जय महिमा गा गण भय सुग्रता हरि नाम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम। कहाँ हूँ पहाड़ी नाम बड़ा
जाएगा, नहीं जा पा रहा अभी। कहाँ कहाँ लगनाम पढ़ाती मात्रा मन सा कहीं राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। बड़ा बताओ सरकार, आपका नाम उतना, आप बड़े नहीं हो, भगवान का नाम बड़ा। और भाई बहनों, ये रामायण भी नहीं है, वेद भगवान नाम की महिमा वेद भगवान गाते हैं। सर्वे वेदा यत् पम कठोपनिषद, सर्वे वेदा जो नाम रूप का निषेध करते हैं वो आधे ज्ञानी। भगवान का नाम रूप हाँ सदा सत्य होता है, निषेध नहीं होता है, ध्यान दो। सर्वे वेदा यत् पम मामनन्ति तपांस सर्वांच यत् वदन्ति यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रभी मृत्यु तक। वेद भगवान कहते हैं सब वेद ज्ञान के भंडार हैं, जिस पद का यशोगान करते हैं। सर्वे वेदा तपांस सर्वांश यद बदंती, तपस्वी लोग जिसके पद को ये तपस्या करते हैं। यदि संतो ब्रह्मचर्यम चरंती, चरित्रवान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रभु का नाम जपते हैं। हाँ, जो करते हैं वो है क्या, तो भेद भगवान बोले परमात्मा का नाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान का नाम इतना बढ़िया है कि भगवान भी नाम की महिमा गा नहीं सकते, क्योंकि भगवान गाएंगे तो नाम की महिमा, तो क्या नाम की महिमा घट जाएगी, क्या बढ़ेगी? और इसलिए पूरी भगवान भी नहीं गा सकते। तो भगवान बोले मेरी शरण आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज, शंकराचार्य वेदांतियों ने अर्थ किया है। शंकराचार्य बोले धर्मा धर्म, यानी अधर्म का तो त्याग करके जी नहीं, धर्म का त्याग करो तो अधर्म करो। नहीं, भगवान के कहने का अर्थ है अशुभ का तो त्याग कर दो, लेकिन शुभ कर्मों की भी आसक्ति फलेक्षा का त्याग कर दो, तब आत्मा का बोध ज्ञान होगा भगवान का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये शंकराचार्य का अर्थ है। श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण धर्मों परित्यज, मेरी शरण आ जाओ। अच्छा, आपकी शरण आ जाए सरकार तो गुरुदेव आप क्या करेंगे? शरणागति गीता का प्रधान हाँ जी है। कहते महाराज मैं क्या करूँगा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम चिंता न करो मेरा क्या होगा। जब तुम शरण हो गए फिर चिंता किस बात की, फिर धर्माधर्म का निर्णय करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम जाने कि तुम्हें कब क्या करना है, और तुम अपनी बुद्धि से निर्णय करो, जान भी नहीं पाओगे। बताएं, अर्जुन भगवान की शरण है। जब कर्ण का पहिया ब्राह्मण के साप से पृथ्वी में चला गया, तो कर्ण ने कहा उतरा पहिए को उतारने के लिए, तो महाराज अर्जुन कहा देखो मान मत चलाना, क्योंकि मैं रथारूढ़ हो जाऊँ तब निपटेंगे। भगवान बोले कृष्ण जी ए अर्जुन जल्दी करो, अगर बैठ गया ऊपर तो तुम्हारे बाप भी नहीं मार पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी अर्जुन का निर्णय अर्जुन कहाँ जान पाया था, भगवान बताया कि इसी अधर्मी को मारना ही धर्म है। अर्जुन कह रहा नहीं, धर्म जो है कि निस्वार्थ को नहीं मानना चाहिए। भगवान बोले अधर्मी को जैसे हो तैसे मार देना चाहिए, तुम्हें निर्णय मालूम है। जब तुम मेरी शरण हो तो मैं बताता हूँ सो काम करो, ध्यान दो। यदि कर्ण पता है, कर्ण को जे भी देवता क्या था, सूर्य का पुत्र भगवान ही था वो भी,
क्योंकि भगवान मदद ना करते तो महाराज अर्जुन कभी कर्ण को नहीं मार सकता। अरे उसे महाराज कवच कुंडल छजिया ले आया कि सूर्य ने दिया था कवच कुंडल पहने रहे, कोई मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं मार सकते। तो देखो कवच कुंडल छजिया ले आया, जाको राख सहा ये गया और कहा कवच कुंडल हमें दे दो, कर्ण कन्हैया का भगत था, पैर छू लिए ले लो। फिर कहा महाराज परशुराम जी ने कहा ये ब्राह्मण बन के विद्या पढ़िए, युद्ध के समय तेरी विस्मृति हो जाएगी। तो देखो उसे भी साप दे दिया। फिर ब्राह्मण ने किसी ने कहा तेरा जब युद्ध होगा तो पहिया धस जाएगा, पहिया धस गया तो वो भी मारता था कर्ण कितना जोर से, अर्जुन का रक्त 8 कदम पीछे जाता था। भगवान बोले धन्य कर्ण बड़ा महान बलवान, अर्जुन मारता तो 108 कदम जाता। भगवान बोले सरकार क्या कोई रिश्वत खा ली, मैं मारता हूँ तो मेरे को धन्यवाद नहीं देते, कर्ण को देते हैं। भगवान बोले अर्जुन तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूँ त्रिलोकीनाथ, और तुमने मेरी शरण ली है, कर्ण ने दुर्योधन की शरण ली है, बस शरणागति में अंतर हो गया। तुमने मेरे नाम की शरण ली अर्जुन, कर्ण ने दुर्योधन की पार्टी की शरण ली। इतना बलवान है कि महाराज मैं भी बैठा हूँ, शेषनाग भी पकड़े हैं, और हनुमान जी सहायता कर ले, बोलो बजरंग बली बाबा की, वाणना भयंकर हनुमान बैठे, फिर भी महाराज सूर्य का पुत्र 8 कदम फेंक देता है। अर्जुन तुम नहीं हार रहे हो, इसमें तो मेरी भी थोड़ी किरकिरी हो रही है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका भगवान भाई बहनों हारते नहीं कभी हैं। कर्ण का भगवान ने कवच कुंडल ले लिया, सब कुछ ले दिया, तो भगवान बोले इसका थोड़ा मान करें, थोड़ा घसक तो हम भी जाए हैं, सब कुछ उसका ले ली, जान ले ली, बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान अपना ध्यान किसी का पराभव नहीं, लेकिन उसके कर्म मारते हैं। राम किसी को ना मारे, ऐसे मोटे राम पापी खुद मर जाएंगे खोटे का। तो भगवान बोले सुनो भैया, आंता सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो व्याकरण की दृष्टि से ये बहुवचन है, इस जन्म के नहीं। इस जन्म के हम आप पाप जानते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो सबको मालूम होता है, चोरी जानता है चोरी करना पाप है, जानते सभी आत्मा सब में है। तो इस जन्म के जो पाप हैं, लेकिन पूर्व जन्म के तो भाई बहनों हमारे भैया, हाँ सानी भैया ने कहा गुरु जी शरणागति, शरणागति तो हम रोज सुनाते ही है, यहाँ ध्यान गीता का प्रतिपाद प्रधान विषय हरि की नाम की शरणागति है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ ध्यान देव, ज्ञानी अपना भला चाहता है, भगत ज्ञानी अपना रस लेता है, भगत भगवान को रस देता है, इसलिए ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य पापेभ्यो, ये बहुवचन माता है, यानी इस जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप। तुम्हें अर्जुन नहीं पता, मेरे को पता है, मैं सर्वज्ञ पुरुष हूँ, 4 तरह के व्यक्ति अज्ञ तज्ञ अल्पज्ञ एवं सर्वज्ञ, भगवान सब समय की जानते हैं, और यह हमारे सिद्ध गुरुजन भी जानते हैं, लेकिन वो सिद्धावस्था आने पर जानते, गुरुजन हमारे जानते तो वो भी हैं, तभी तो ऋषि मुनियों ने भी काल को लिख दिया, हमें आपको बता रहे हैं। ये लोग कहते 4,32,000 कल का आयुर्वेद भागवत में तो है नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है, 4 भागवत में 1200 वर्ष है कलि माने मशीनरी युग, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान देना, और महाभारत ध्यान देना, 90 क्या कोई कोई सत्य बोलता है, और सत्य बोलते हैं उससे लोग झूठ बुलवा लेते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, कर्म हो जाएं वासना के बस, माता को न पूछे न पिता को पूछे न गुरु को पूछे, हाँ तब समझो कलि का अंत होगा, लंबे शुरू हो गई है।
अमेरिका लंदन में तो लव मैरिज पहले से चल रही है, लेकिन ये पुरानी बीमारी, ये बीमारी भारत में भी आ गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लव मैरिज माने कली का अंत है। और ये भी आया है कि जब पिता पुत्री के, भाई बहन के, आज अखबारों में सबके आने लगा है, मर्यादाएं भग हो जाएगी तो कली का अंत हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं था, ये 10-15 वर्ष से बातें आवाज़ें आने लगी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भाई बहनों, आपने प्रवचन सुना है, घबराना आप नहीं। कितना भी पाप हो, पाप परमात्मा से बड़ा नहीं होता। अहंता सर्व पापेभ्यो, आप हरि नाम की शरण ले लो और ये कह दो भगवान हमसे तो पाप नहीं दूर होते, कृपा करके आप ही हमें ज्ञान दीजिए, कृपा करके आप ही हमें योग बुद्धि योग का रहस्य बताइए। तो भगवान गीता में कहते, मैं बताता हूँ अपने भगत को, एक भगत ना जीत सके माया को, विकारों को, तो भगवान भगत की मदद करते हैं। बोले गीता माता की, जगाम बुद्धि योगम का मेन माम प्रयाद थे। अब भगवान बोले, ज्ञान दीपेन भाष्यता, वेदांत का ज्ञान भी भगत को करा देता हूँ और योग की समता भी ले आता हूँ। समत्वम योग उच्चते, दोनों काम ठाकुर जी कर देते हैं। तो भगवान बोले, तुम पापों को नहीं जानते। आजकल लोग कहते, महाराज हमसे तो कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी हमें दुख है, फिर भी हमें कष्ट है। भाई बहनों, ऐसा है, हम लोग अनजान में भी पाप करते हैं, जानते हो? जब सूर्य की ओर आप खड़े खड़े लोग शंका, तुम नहीं जानते पाप हो रहा, पाप हो रहा है। आप सोते हो, पृथ्वी को प्रणाम नहीं करते हो, आप नहीं जानते हो पाप हो रहा आपसे। इसलिए माता को प्रणाम किया करो, ध्यान दीजिएगा, कभी टखने पखने दर्द नहीं करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आप जानते ही नहीं हो, हवा चल रही है, आप उधर थूक रहे हो, आप नहीं जानते ये वायु ब्रह्म है, आप अपमान कर रहे हैं। कोई बड़े महापुरुष अपने योगी गुरु बैठे हैं, तुम चबड़ चबड़ दुनिया की बातें कर, आप नहीं जानते पाप हो रहा है आपसे। यानी पाप की इतनी झनक है, बड़ी महीन आवाज़ है, पाप को कोई कोई जान पाता है। हाँ जी, इसलिए भगवान बोले, तुम न जान पाओ तुम्हें जना देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, दोई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, दोई द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तो भगवान बोले, हंता सर्व पापेभ्यो। अब भाई 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 बहनों बताएं, कोई कितना अच्छा आदमी हो, पाप सबसे हो जाते हैं। दूध का धुला दुनिया में कोई नहीं, केवल परमात्मा से नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने परमात्मा में भी ऐब निकाला। क्या निकाला? कौन कहता है खुदा बेऐब है? उसमें एक यही ऐब है, बेऐब है, बेऐब होना नहीं ऐब है। बोलो सच्चिदानंद। निकालने वाले बाल्टी खाद निकाल देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा, पाप किससे हुआ? आपने वाल्मीकि रामायण कभी पढ़ी हो, हमारे आचार्य विद्वानों से सुनो। देखो, वाल्मीकि रामायण में आता है कि पाप किससे हो गया? कहते सीता जी से। सीता जी से क्या पाप हुआ? सोने का मेरे को देखा, ले आओ सरकार। भगवान बोले, सोने में तुम्हें प्रीति हो गई, मेरे को देख, जाओ सोने की लंका में चली जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। है सीता जी से हो गया। वो सीता जी जिनके चरणों का हम ध्यान करते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, उनसे हो गया। और हनुमान जी का पाठ हम लोग रोजे करते हैं। हनुमान जी से अनजान में हुआ। हाँ, ध्यान देना, जब सीता जी ने, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी कृत में भी है, सीता जी ने खायो मात लागी मोय भूखा, माँ हमें भूख लगी है। सीता माँ बोली, अरे हनुमान तू कहाँ जाएगा खाने, तेरे को तो हनुमान जी छोटा रूप रख कर गए, मशक समान रूप कब गई। तो सीता जी ने कहा, तेरे को तो मुंह से नहीं खाएंगे, ये दुर्दान्त दैत्य तुमको नाक से सूंघ लेंगे,
बेटा जाना नहीं, यहीं रहो तू, यहीं फलमूल हम देती हूँ खा ले, कहीं जाना नहीं। भगवान बोले मैया जानती नहीं है कि वो तो भोले बाबा शंकर भगवान हैं। रावण ने भगवान श्री राम भक्त ने रावण को मार डाला तो महाराज भगवान राम भी मार डालते, हनुमान जी भी मार डालते रावण को। वाल्मीकि ने लिखा है भगवान ने हनुमान जी मूर्छित कर मार डालते उसे। हनुमान भाई बहनों देवी देवता नहीं है, हनुमान जी भोले बाबा हैं, इसलिए हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों जो गुणागर। हाँ, तो इस प्रकार से। अच्छा, एक बात और है, हनुमान जी दर्शन देते हैं। हाँ जी, इस प्रकार से हम विधि बता देंगे, समय भावे में थोड़ा बात है कि हनुमान जी के आप दर्शन कर लें, क्योंकि हनुमान जी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। भगवान राम ने कहा हनुमान जी सबको ले गए, लक्ष्मण को सब भाई बहन गए, भगवान राम का पूरा परिवार, हनुमान जी से नहीं कहा मेरे नाल चलो। हनुमान जी उदास हो गए, सीता माँ बोली रात दिन खड़े रहते हैं, उनको एक बार भी नहीं बोले राम दुबारे तुम रखवारे। हन भगवान राम के आंसू निकल आए, भगवान राम बोले थे माँ जानती नहीं, मैं तो छोटा रूप रखकर छुप के आया हूँ। उन्होंने सिंह गर्जना किया और कुंभकर्ण रावण से भी दूने भारी बन गए। सीता को ढाढ़स हुआ कि अब नाश्ता करके आएंगे। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, जा मैंने तुझको जा मैंने तुझको शक्ति दी, भक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, रघुनाथ सहाय कर रहे सदा, तुम सदा रहो अमर बेटा, आशीर्वाद मैं देती हूँ, जाओ अजर अमर बेटा। माता ने आशीर्वाद दे दिया। बोले सीता माता की, अब तो हनुमान बोले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो हनुमान जब बड़ा हुआ तो सिंह गर्जना की, तो वाल्मीकि लिख रहे हैं गर्भिणी स्त्रियाँ जो थीं लंका में उनके गर्भपात हो गए, तो हनुमान जी को कई बार ब्रह्म हत्या हजारों लग गई। गर्भपात माने ब्रह्म हत्या होती है, कोई ऐसा बच्चा बच्चियों को मारता हो वो गर्भ ब्रह्म हत्या रहा है वो व्यक्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फैमिली प्लानिंग फलेंगे कैसा अधर्म छाया हमारे यहाँ, ध्यान दीजिए मुसलमान नहीं करते, खुदा की कुदरत है, हैं हिंदू हमारे सिद्धात्मक में क्यों आ रहे, हम ये हम दो हमारे दो सीताराम, पाँच से कम नहीं होना चाहिए। अगर दो हैं तो मामी कहाँ से आएगी, या फुप्पड़ कहाँ से आएंगे, पाँच से कम होगी संतान तो मामी होगी नहीं। हाँ, अगर महाराज ने विवाह किया किसी बेटी भी बाली साला और उसके आदमी में लड़का नहीं तो साला हो गई नहीं, पाँच होंगे तब होगा, मामी हो भी भाई हाँ रिश्तेदार हो। तीन बेटियां या तीन बच्चे दो बालक, बोले धर्म की पांच पांडव, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ भैया, अधर्म ही धर्म होता है। तो महाराज हनुमान जी ने फिर जब उनको ब्रह्म हत्या लगी तो क्या हुआ, तो हनुमान जी ने आप गीता पैसाठ भाष्य लिखा, हनुमान जी के दो उनसे दोष हो गए, एक तो गीता ऊपर बैठ के सुनी ध्वजा पर, नियम है कि चेला नीचे बैठे और कहीं गुरु के ऊपर बैठ जाए, हम तो भैया बैठे रहते हैं उसमें शिष्यों की आयु नष्ट होती है, इसलिए कभी गुरु माता पिता के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा नीचे बैठो, अगर बैठना ही तो थोड़ा कुर्सी नीचे कर लो, बराबर नहीं बैठना चाहिए, इससे आयु नष्ट हो जाती है। अभिवादन शीलस नित्यम नित्यम वृद्धोप से बिना चक्पाश तस्त वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, इनका नाश हो जाता है। तो देखो सीता सीते हो गया,
हनुमान जी से पाप हो गया, भगवान कृष्ण बोले उनसे हो जाए तुम्हारे पाप, में ताल ठोक के कहता हूँ मैं नष्ट कर दूंगा, ब्रह्मा के लेप समाप्त कर दूंगा। सहांता सर्व पाप भ्यो, बोले बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलो गीता के भगवान की। लेकिन सर्व पाप भ्यो, अब शरणागति का श्री हिंसायाम था, कुछ शरणागत शब्द होता है जिसका अर्थ है, एक बहन ने कहा था गुरु जी भजन सुना दो, मैं सुना देता हूँ। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन है, जो भी मेरे पास है यह तन मेरे पास है, यह धन देने वाले ने दिया है जो दिया बनता है, देने वाले ने दिया है जो दिया बनता है, देने वाला कह उठा क्या मेरा है, देने वाला कहे उठा यह मेरा है। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन सीता है, जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता है, जो दिया है वो सदा ही पास रह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता। सब प्रवचनों का सार गीता कहा गया, क्या करना चाहिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरी से, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरी से, जिंदगी का राज है आराम से, जिंदगी का राज है आराम से, मैं नहीं मेरा नहीं ये जो भी मेरे पास है ये। भाई बहनों शरणागति में देखो, हनुमान जयंती आ गई है, अपने आश्रम पर पाठोत्सव भगवान का मनाया जाएगा, हनुमान की जो कथा सुनना चाहें वो हनुमान जी की कथा ब्रह्म विद्या है कि शंकर भगवान है, वो कोई देवी देवता नहीं है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन हमें बड़ी आश्चर्य की बात है कि खाटू श्याम के लिए सब भाग जाते हैं, हनुमान जी को छोड़ देंगे, भगवान की पूजा छोड़ देंगे, खाटू श्याम, खाटू श्याम क्या बीमारी है, खाटू श्याम जो है बरबरी का नाम है महाभारत में, ये भीम का विवाहिता से नहीं है, ये वैसे गंधर्व विवाह से पैदा हुआ है, तो बलवान तो बहुत महान है, तो महाराज इतना बलवान है कि जो हारेगा युद्ध होगा तो उसके पक्ष में हो जाएंगे, भगवान पांडवों को जिताना चाहते हैं, हाँ तो भगवान के नाम की शरणागति है, अर्जुन भगवान के नाम की शरणागति दी है, हाँ शरणागत को भगवान धोखा थोड़ी दे सकते हैं, तो भगवान का इस 420 को ठीक करना चाहिए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या किया उन्होंने, भगवान कृष्ण का थोड़ा भगत है ही, भगवान कृष्ण छलिया है, छलिया को तो अपने भक्त की बीए करानी शरणागत की है, भगवान ये महाभारत सुना रहे हैं आपको, तो महाराज कहा क्या का अपना सर हमको दे दे, इसने सर भगवान को दान कर दिया, इसलिए मैं भी इसे नमस्कार इतना करता हूँ कि हमारे कन्हैया के लिए अपने प्राण दे दिए, सर का दान कर दिया। तो भगवान बोले इसे कुछ वरदान देना है, का कलिकाल में तेरे नाम
इसलिए खाटू श्याम खाटू श्याम। लेकिन हम कहते तुम गंगा पहुंच जाओ, क्या भगवान तुम्हें नहीं देंगे क्या? क्या खाटू श्याम देगा क्या? इसलिए उनकी पूजा करो, हम भी खाटू श्याम को नमस्कार कर लेते हैं कि हमारे भगवान के लिए त्याग किया इन्होंने। इसलिए खाटू श्याम कोई परमात्मा थोड़ी है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए कभी भगवान की उपासना छोड़ के नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान की उपासना में खाटू श्याम की भी हो जाएगी, सबकी उपासना हो जाएगी। सारे देवी देव भगवान में तो सर्व देव में हरि है, लेकिन भगवान की शरणा श्री हिंसा एवं धातु से शरणा शब्द स्पन्न होता है। भाई बहनों अभियान समापन करते हैं, आप हरिद्वार भी आइएगा, देखिएगा आप। शरणागति के 6 लक्षण हैं, आनुकूलस संकल्प प्रतिकूलस भजनम रक्षति विश्वास गोप्यर्थम प्रणमता। यानी भक्ति में अहंता परिवर्तित की जाती है, वेदांत में अहंता ममता ज्ञान आदि से भस्म होती है, निष्काम सेवा से अहंता ममता सिद्ध होती है। गीता भगवान का अहंता ममता शुद्ध कर लो, इसलिए निष्काम कर्म सुनाया। और अहंता ममता जगाना चाहते हो अक्रिया चंद हो जाओ तो वेदांत का ज्ञान भी सुना दिया। और अहंता बदलना है तो मेरी शरण भगवान के भक्त होकर उनके नाम की शरण ले लो। लेकिन भगवान के प्रेम में शक्ति है, भगवान का प्रेम से मुक्ति भी होती है और प्रेम भी मिलता है और भगवान का दर्शन मिलता है। लेकिन वेदांत के ज्ञान में हाँ मुक्ति तो होती है, प्रेम और दर्शन नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में, आपने श्रवण किया। लेकिन एक बात है ना भाई बहनों, अगर तुमने नोट की शरण ली, खरी बात सुन लो, पैसा पैदा करना हाँ वो नहीं है, यानी पैसे का आश्रय मत लेना। बलवान होना बुरा नहीं है, लेकिन बल का आश्रय मत लीजिए। शरणागति कब होगी? विद्या खराब नहीं है, लेकिन विद्या की शरण मत लीजिए। हाँ कहते किसकी शरण ले, भगवान बोले मामे का शरण। और एक बात है, भगवान शरण रहो तो विद्वान भी बने रहो, धनवान भी बने रहो, गुणवान भी बने, फिर भी जान बचेगी नहीं। और भगवान की शरण ले लिया तो जान जाएगी नहीं। बोलो सच्चिदानंद। क्योंकि ये चीज़ें विद्या भी बुद्धि भी बल भी धन भी यहीं रह जाएंगे, कन्हैया साथ ना जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन शरण जो है, द्रौपदी भी से द्रौपदी की भी शरण गति नहीं पूरी हो पाई। ध्यान दो, यदि द्रौपदी निष्काम है लेकिन बुलाया भगवान, जब दुर्योधन ने निर्वस्त करने का प्रयास किया तो द्रौपदी बोली भागवत में, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाभ्याह वासुदेवा जगन्नाथा प्रणतासी विनाशना। कहाँ जा छुपे शरणागति, कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ राज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे बता दो कन्हैया, यहाँ राज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथ, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी के सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। दुशासन हाँ गुरु, देखो गुरु की शरण ली, द्रोण की शरण ली, भीष्म की शरण ली कि मेरे गुरु जिसकी भुजाएं फाड़ देंगे। लेकिन गुरु भी 2 नंबर खा के बैठे, हम कैसे काम कर पाएंगे? हाँ जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। गुरु द्रोण बोलो, पितामा जी बोलो, कुमारी बेटी तुमसे यह पूछती है, मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, जब क्यों तुम्हारी घिसी जा रही। नहीं बोलते हो, बोलो तो गुरुजी, गुरुजी क्या बोलेंगे? फिर अपने पति के गांडीव धनुष शरण ली,
एक बाण में तीनों लोगों को एटम बम से हजारों गुनी ताकत अर्जुन के बाणों में है। हने महाभारत क्षण क्षण मान्याम सतरा चरम जगत। तो अपने गांव दीप धनुधारी अपने पति अर्जुन की शरण ली, कहा जिनों हाँ सोरत थी जिनकी सारे जहाँ झुकाता तस्वर जिनको सारा जमाना। वो देखो समय आज, वह देखो समय आज, बदला है कैसा कि वीरों की गर्दन भी झुकी जा रही है, कहाँ जा चुके। देखो कितनी भाई बहनों शरण दी, यानी भगवान शरण दो तो ना हमारा अर्जुन के बाण काम कर पाए, न गुरु जी बोल पाए। तब कहा कोई बात नहीं, अपने बल की शरण ली, मैं पकड़ूंगी कसके तब निर्वस्त कैसे करें। उसने चौथा झटका मारा। हाँ कहते हैं खत्म ना हुआ थी सुनी तेरे जब, अब कोई न सहारा बिन तेरे। हाय अब तो गुरु भी नहीं सहारा है, अब तो बलवान मेरे पतिदेव भी जो विश्व को एक बाण में नष्ट करते हैं वो भी धोखा दे गए, गुरु भी नहीं बोल रहे, और अपने हाथ से भी साड़ी छूट गई, अब शरणागति हो गई, अब मर गई, अब उसका अहंता ममता साफ हो गई। बोलो सच्चिदानंद। भगवान बोले हाँ मैं आ सकता हूँ अब। हाँ जो तो भाई बहनों आप सबने हमने सबकी कहते हैं धन की विद्या की ही गीता का सार है, बल की बुद्धि की हाँ शरण आपने ली तो टके टकी शरण कभी ये पास नहीं होगी, और ये कन्हैया की शरण ले गई है तो इनकी आवश्यकता ही नहीं, अपने आप सबकी जा जाएगी। बोलो सच्चिदानंद। हाँ सुनी तेरे जब द्रौपदी की हरी ने उन्हें याद आई, गीता वाली बात माँ में कम शरण, वो अब शरणागत हो गई है, अब उसके कोई सहारा नहीं, कोई अहंकार नहीं नहीं है। हाँ उन्हें याद आई अपने वचन की, नती देर तब बहा सभा में पधारे। अब भी तो पावर आ गया, जितने क्लास मर्चेंटों का माल है मार झाड़ लग गए पहाड़। ध्यान दीजिएगा दुशासन की ताकत भी अब घटी जा रही है, खत्म ना हुआ कि दुशासन भी हारा। अब भगवान देख रहे हैं द्रौपदी को कपड़ों में देखने लगे कन्हैया। हाँ द्रौपदी बोली अरे मेरे वीर मेरा भैया तू इतना निष्ठुर हो गया, इतनी बेइज्जती करवाई तब तू आया। कन्हैया बोले तुमने दुनिया की दीदी शरण ले ली थी, तुम्हारे ही हमको नहीं देती थी, जब तुम्हारे कुछ नहीं रहा तब हम आ गया हूँ। बोलो सच्चिदानंद। सारे आश्रय छूट गए तो खत्म ना हुआ चीर, यानी इसका धन भी होना चाहिए, विद्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इसका निषेध नहीं है, लेकिन इनका सहारा नहीं लेना चाहिए, सहारा कन्हैया के नाम का लेना चाहिए, तो हमारा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी भगवान हमें फल भी प्रदान कर देंगे, हमारे लोक में भी जय जयकार, परलोक के भी हाँ दे देता जय जयकार, और ठाकुर भी नाम जपने वाले के इशारे पर नाचने लग जाएंगे। यही गीता का सार है। भाई बहनों आपने प्रेम नाल श्रद्धा नाल सब समर्पण किया है, मैं परम पिता परमात्मा से, और हो सकता है आगे चल के युग बदलने वाला है ये शायद अंतिम लेख सकता है हो, क्योंकि प्रमाण युद्ध शुरू होने वाला है, ये 7-8-10 दिन में सफाया हो जाएगा, अगले साल तक शत्रु के लक्षण होंगे और हमारा भारत महाशक्ति के रूप में आएगा, क्योंकि भारत ने सबको सुख दिया है। हमारी धारणा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी को हमारे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका, ये वही बात है सर्वधर्मान परित्यज्य। हम लोग सैकड़ों वर्ष से बात बोल रहे हैं, इसलिए भारत की विजय होगी कि भारत कितने हम लोग बिगड़े हुए हों,
लेकिन भारत की आत्मा आज भी सबका कल्याण चाहती है, इसलिए भारत की विजय होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान एक हम माम प्रपद्यंते स्थित भजा में हम मम वर्तमान पंत से मनुष्य पार्षदा। बहुत बहुत आपको साधुवाद प्यारे भाई बहनों। इसमें जो अच्छा हो वो तो ठाकुर जी का वचन वचन होगा, और कोई त्रुटी हो वैसा आपको हो तो समझो विज्ञान आनंद का होगा। जो अच्छा होता हमारे भगवान का होता है, वो भूल होती है वो हमारी होती है। बोले गीता माता की, जोर से बोलिए, बोले वेद भगवान की, जोर से बोलो आजकल भगवान ऊंचा सुनते हैं, बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की, सभी प्यारे भक्तों की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वेद भगवान की, गीता माता की, गायत्री मां की, श्री सनातन धर्म सभा की इस दिव्य भूमि पर व्यास रूप में विराजमान परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित कांते स्मरणीय रक्षणीय वंदनीय तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गीता विज्ञान आश्रम के संस्थापक संचालक पर्वाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 विज्ञानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं अपनी आचार्य भी पंडित जी श्रद्धेय पंडित जी मोहनचंद उपाध्याय जी एवं उनके सहयोगी की ओर से हमारी सभा के प्रधान श्री महामंत्री गरुड़ा आदि सभी पदाधिकारियों की ओर से इस सुंदर आयोजन के संयोजक आयोजक संत सेवी श्री सुभाष आयन जी की ओर से आप समस्त सम्मानीय भक्तगण मेरी माताएं बहनों और भाई बंधुओं की ओर से और जो सोशल मीडिया पर महाराज जी की कथा को सुन रहे हैं उन सब की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में प्रणिपात वंदन नमन। ये हमारा पर्व सौभाग्य है कि ऐसे संत सनातन धर्म सभा को आकर के अनुग्रहित करते हैं। भगवान वेदव्यास जी का नाम तो सुना होगा क्योंकि सारे वैदिक वाङ्मय के रचयिता वही हैं, लेकिन उनके स्वरूप के दर्शन संभवतः हम लोगों ने नहीं किए हैं। लेकिन अगर एक बार भावना से महाराज जी के श्री मुख का दर्शन कर लें तो आपको वेदव्यास जी के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। महाराज जी की आयु के बारे में कई बार कहा जाता है, लेकिन आयु को तो लगता है इन्होंने माफ करके डाल दिया। महाराज जी ने समस्त वेद वेदांतों का मंथन खंगाल करके हमें जो सूत्र दिया है वो एक अद्भुत है कि आप यदि पूजा पाठ करोगे तो उसमें कर्म की प्रधानता है, यज्ञ अनुष्ठान करोगे तो उसमें नियम और विधि की प्रधानता है। वेदांत का अगर सहारा लोगे तो उसमें ज्ञान की प्रधानता है, भक्ति करोगे तो प्रेम की प्रधानता है, शरणागति भगवान के प्रति प्रपन्नता प्रपत्ति यदि भगवान के हो गए तो भगवान ही
आपका सहारा बन जाएंगे, वही सारथी बन जाएंगे, वही आपका सब कुछ करेंगे। ये इतना ज्ञान शास्त्रों का गहन मंथन करने के बाद ही मिला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कृत हैं, धन्य हैं, कृतार्थ हैं कि महाराज जी का प्रवचन हर वर्ष, संदेश हमें हर वर्ष सुनने को मिल जाता है। हम महाराज जी की दीर्घ आयु की, स्वस्थ स्वावलंबी जीवन की शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। इसी प्रकार महाराज जी समय समय पर आकर के हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराते रहें। ब्रह्म विद्या जो गीता का विषय था, जिसमें महाराज जी ने बताया कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, उन सबका ही निचोड़ शरणागति है, सभी का ही सार जो है शरणागति है। ऐसा सुंदर सूत्र महाराज जी ने दिया, उसके लिए हम पूरी सभा की ओर से आभार पूर्वक महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। मैं साथ ही महाराज जी के परिकर कर्मचारी ऋषिकेश सिंह और हमारे संगीत में रोज आकर के उपस्थिति देने वाले अशोक नागपाल जी, श्री अशोक नागपाल जी, श्री वैराध्यलाल जी का और आप सभी जो दूर दूर से भक्तगण आए हैं, आकर के हमारी इस सभा में महाराज जी का प्रवचन सुनने का सौभाग्य आपने प्राप्त कर दिया। आप लोगों के सबके प्रति आभार। मैं सभा के महामंत्री श्री नृपेन अरोड़ा जी से और जितने भी हमारे सभासद बैठे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसा हमारा नियम है कि जब कोई संत महात्मा आते हैं तो आरंभ में उनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं और जब वो विश्राम करते हैं तो उनको हम आभार और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पदाधिकारियों से और सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि कल से धीरे धीरे आकर के सभी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभकामना के साथ बोले महाराज जी शीघ्र ही आकर के हम लोगों को अनुग्रहित करेंगे। वाणी को राम, जय श्री राम। मैं अपनी तरफ से और गुरु जी की तरफ से मंदिर के पदाधिकारियों का, सेवकों का, पंडित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रति वर्ष हमारे गुरु जी कितना धन से सेवा करते हैं और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप आकर मंदिर में इतनी रौनक लगाते हैं कि मंदिर में बैठने की तैयारी कर दी। आशा करता हूँ आप इसी प्रकार आते रहेंगे और अपने मानव जीवन को सफल बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। यह बीतती है पल पल चित चित रह जा तुम्हारे चरणों में, दयावान रहे जा।
फल पावे दुख बिन से मदगा स्वामी दुख बिन से मदगा सुख संपत्ति घर गावे सुंदर आवे Thank you.
राम बाबू भैया की बेटी है हमारा जी, राम बाबू भैया के बच्चे हैं दोनों हमारे जी, राम बाबू भैया के। जय श्री राम। मैं चला गया था लखनऊ। अच्छा, ऑफिस में ड्यूटी गया था। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम 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 प्रणाम। नहीं कह रहे थे हमारे आएंगे तो गीता सुनेंगे महाराज जी की। आगे जा समय से लेट हो गया। लास्ट में पहुंचता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री राम। आधा घंटा सुनने में बुला। हाँ हाँ, मई में जब शंकराचार्य जयंती और गीता। कब, कौन सी तारीख? 12-13 मार्च के आसपास। हम महाराज जी 12 से 20 तक महाराज जी उधर फिरोजपुर में हैं। महाराज जी का बहुत ही ऐसा होता है ना कि इतनी व्यस्तता रहती है कि वहाँ मिलना जो है। आज के बाद काम मिल जाएंगे अभी, आज वृंदावन जाएंगे। आज वृंदावन, वृंदावन 2 दिन रुक कर के फिर वहीं चले जाएंगे। हाँ, दिल्ली तो नहीं है उसके पास, गुड़गांव में है। 28 अप्रैल से कथा है। 28 से 5 मई तक चार सेक्टर में है, उसमें आप देखना। मैं हाँ जी, हाँ जी, 11-12 बजे तक जाएंगे। चलिए वृंदावन चलिए। आसन कुटिया है, कुटिया वहीं पर है, पांकीबारी पास में ही। ये सब जो है ना, ये यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति मतलब कितना भी सोचता रहे पर वो योग भगवान बनाते हैं। संतों के पास जो है ना कोई सामान्य उनसे व्यवहार नहीं होता है। आप विचार कभी भी अनुभव करेंगे ना कि हम विचार कर लेंगे, पहुँच जाए पहुँच नहीं पहुँच सकते जब तक वो चार पाँच दिन सोच रहा था कभी कोई दिक्कत करनी पड़ेगी। हमारे पूछ रहे थे बार फोन किया था कि नहीं किया था, हमने कहा बताया था हमने, एक बार प्रणाम कर लो।
माता जी ठीक है भैया? हाँ, मैं उत्तर खा रही। अच्छा, बहुत उत्तर खा ना। अच्छा, कुछ कहानी बात साहब आदमी से क्या दिक्कत है? उसको कितनी दिमाग में प्रदेश को तनाव हो जाता है, तो 5-6 दिन पर तनाव ज़्यादा हो गया, अब कब तक हालत खराब होगी, तो फिर डॉक्टर लेना पड़ा। आप पता क्या मतलब साथ जाना था, अब इसका हमें रिस्पॉन्स तो पता नहीं, लेकिन आप जो है ना गुरु जी की घर में आवाज़ है ना स्पीकर पर चलाया करिए। जी जी, सुनते तो होंगे मोबाइल में काम लगा के, गए स्पीकर पे चलाया करिए, कोई वैसा बूफर टाइप का स्पीकर, कभी साउंड नहीं लगता है तो घर में मतलब आवाज़ गूंजे आपके, है ना? देखिए पता क्या है, ये प्रारब्ध है, ये जो है ना इसको वो आपकी इच्छा पे कुछ नहीं, आप घर में जो है ना सुबह गेट बंद करके सुबह मॉर्निंग में आप जो है ना थोड़ा गुरु जी का प्रवचन, सब लोग श्रद्धावान नहीं है तो मतलब उनका प्रवचन चलेगा तो थोड़ा उसका असर पड़ता है, वाइब्रेशन मतलब चेंज होते हैं। हर जी अपना हाथ दिखा दीजिए, बोले सतगुरुदेव भगवान की महाराज प्रणाम। अरे ये कन्हैया कमाई महाराज जी। एक मिनट ये फिर करो, नहीं